देर रात तक अम्बेडकर जयंती के अवसर पर गरियाबंद बौद्ध समाज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलते रहे। बाबा साहब की पूजा अर्चना के पश्चात देर संध्या नगर में रैली प्रारंभ हुई, जो महाविद्यालय भवन में स्थित बाबा साहब की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सभा का आयोजन किया गया। वहीं देर रात बाबा साहब के सम्मान में प्रसंग कविता एवं कवाली का आयोजन बस स्टैंड में किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर बौद्ध समाज ने एक कार्यक्रम आयोजन किया था, जिसके मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले, अध्यक्षता आर के तलवार आचार्य महाविद्यालय एवं विशेष अतिथि के रूप में जिला अस्पताल के सीएमओ श्रीनाग, नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री टॉमसन के साथ ही महाविद्यालय के प्रोफेसर श्री तारक विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर सेवानिवृत्त एएसआई श्री उइके का सम्मान किया गया। साथ ही साथ अतिथियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना कर देश प्रदेश और नगर की खुशहाली की कामना की। देर रात स्थानीय बस स्टैंड में गीत प्रसंग एवं कवाली के माध्यम से बाबा साहब के शान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षित बनने के लिए हमें जो प्रेरित किया है और उन्हीं की बदौलत आज हम सम्मानजनक जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। उनके संविधान के कारण महिलाओं को भी एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का मौका मिला है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाने का कार्य हो रहा है। आज बड़ी बड़ी ऊंचाइयों में, बड़ी बड़ी शिक्षाओं में, बड़े बड़े क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। इसी यही हमारी प्रेरणा है, बाबा साहब की प्रेरणा को हम लोग स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जो जीवनी है, उनके जो जीवन के उनके संदेश है, उनको हम याद करते हैं और उनके बताए हुए मैसेज को हम अपने पूरे जिंदगी में अमल करने की कोशिश करते हैं। शिक्षा लेने के लिए जो संघर्ष किया, वो एक हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जीवन ही एक उनका मैसेज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई जो है उनके जीवन से प्रेरित होकर अपने ऊंचाई को छू सकता है।